फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगी जो कभी किसी ने आपको नहीं बताई होगी। इस बॉबिन एंड बॉबिन केस के थ्रू हम बहुत ही अमेजिंग डिजाइन बनाएंगे। एंड मेरे इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वरना फिर इसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से वो आप मिस कर जाइएगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हाथ में जो आपको टूल दिख रहा है, मैं इसे थ्रेड फिलर कहती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसे क्या कहते हैं। तो इस थ्रेड फिलर के हेल्प से मैंने सारे बॉबिन पे थ्रेड भर चुकी है, धागा भर चुका है। एंड देखिए, मैंने बहुत सारे बॉबिन लिए हैं। देखिए, छः मैंने बॉबिन लिए हैं। एक मैंने वाइट फिल किया है, इसे मैं नीचे लगाऊंगी। बॉबिन केस में फिल करके भर कर इसे मैं नीचे लगा लूंगी। अब हम इसे बंद कर लेते हैं। अब हम ऊपर की ओर धागा फिल करेंगे। पहले नीचे साइड से हमें धागा निकाल लेना है। देखिए, ये नीचे का धागा निकला हुआ है। अब हम ऊपर फिल करते हैं। तो पहले मैं येलो कलर का धागा ले रही हूँ। उसके बाद सेकेंड बॉबिन हमें क्रीम कलर के धागा के लेना है। थर्ड है लाइट ग्रीन, देन रेड एंड लास्ट स्काई ब्लू। देखिए, मैंने 5 बॉबिन लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं एंड आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। मैंने ये कलर फिल डाला है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी कलर डाल सकते हैं। अब देखिए, सारे थ्रेड को एक साथ जोड़ लेना है। अब इसे पहले ऊपर वाले होल में डालना है और फिर इस पर। देखिए, मैंने वीडियो में आपको बताया है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमें इसे धागा को इन करना है। अब लास्ट वाला जो है वो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं छोटी छोटी टिप्स लाई हूँ, तो उसे बिल्कुल देखिएगा। इसे हल्के से अपने हाथ से रोल कर लीजिएगा एंड जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लीजिएगा। उसके बाद इसे अंदर की ओर डालिएगा तो ये बहुत ही इजीली चला जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह का। इसे रोल ज़रूर कीजिएगा, अगर आप रोल नहीं करते तो उसे जाने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ 1 से ज़्यादा थ्रेड है। तो इसे रोल ज़रूर कीजिएगा। एंड द सेकेंड ट्रिक इज वॉज वेरी ईजी। आप इसे ज़रूर, अगर आप इसे देख लेते तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हमें छोटे से सॉलिड टेप का पार्ट लेना है। या ये सॉलिड टेप है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड टेप है। इस पर हम अपने धागे को रख लेंगे, बीच में पेस्ट कर लेंगे और इसे फिर फोल्ड कर लेंगे, कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। एंड हम इसे ट्रायंगल के शेप में कट कर लेंगे। थोड़ा कोना निकालना है ताकि उसी हेल्प से हम इसे अंदर डालेंगे। तो यस, इस तरह से आपको कोना निकाल लेना है। इसका ये कॉर्नर है, इसे निकाल कर इसे अच्छे से पेस्ट कर ले। अपने हाथों से इसे अच्छे से दबा लें, तभी वो अच्छे से चिपक जाएगा, वरना वो नहीं चिपकेगा। एंड उसे धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली, ध्यान से इसे उसके अंदर डालना है। देखिए, मैंने जैसे डाला, उसके दूसरे साइड से उसे पुल कर लेना है। एंड लास्टली उस सॉलिड टेप को हटा लेना है, वो किसी काम करने से उसे हटा लेना है। एंड या ये बहुत ही इजी ट्रिक है धागा डालने का। एंड मैंने यहाँ ब्लैक कलर का स्लीव्स का कटिंग लिया है। स्लीव्स का डिज़ाइन मैं बनाऊंगी। इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ और इसके साइड में एक सिलाई कर लेती हूँ। आप देखिएगा कितना अच्छा दिखेगा ये डिज़ाइन। आप इससे आप किसी भी साड़ी में, कुर्ती में एम्ब्रॉयडरी वर्क आप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। आप फ्लावर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। अब मैं इसके बीच में ट्रायंगल का शेप बनाऊंगी। जिप जैप लाइन रहेगा हमारा बीच में, कुछ इस तरह का। आप वीडियो में देख रहे हैं, आप चाहे तो आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये। दूसरी साइड भी हम जिप जैप लाइंस ड्रॉ कर लेंगे,
अप्लाई कर लेंगे। जैसा मैंने इस वीडियो में करके दिखाया है बिल्कुल वैसा ही। देखिए इसी तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। आप ऐसे ही बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क कर सकते हैं बाय मशीन, एंड ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। और भी ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।